8 बजे अब हाथ में हमारे फोन आया है, तो हमने सोचा पहले माता रानी के दर्शन आप लोगों को करा देते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि 7:30 बजे पूजा पाठ करने के बाद हम भाई को रोटी सब्जी तुरंत बना करके दी, वो मना भी करते हैं कि दीदी आप परेशान ना होइए, क्योंकि आप लोगों से बताया ना रात में भी हमको 3 बार जगना पड़ता है छोटी बेबी की वजह से, और यहाँ हमारी 4 बजे नींद बिल्कुल नहीं खुलती है, यहाँ हमारी नींद खुलती है 6:30 बजे, कभी कभी 7 भी बज जाते हैं। तो वही है कि जब रात में आप पूरी तरह से नहीं नींद ले पाओगे, नहीं सो पाओगे, तो वो तो होना ही है कि आप लेट ही जगोगे, सुबह जल्दी नहीं जग सकते हो। तो एक पूजा पाठ अब अच्छे से, हमने भागवत रामायण तो नहीं कहा, रामायण वामायण सब रखी हुई है, लेकिन यहाँ रामायण बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि अगर रामायण कहेंगे ना तो अंदर की रामायण कौन देखेगा। और प्रीति भी लेट आती हैं, 9:30 या 10 बजे तक आती है, पूरी तरह से अभी हमको पता नहीं, वैसे भी कभी जल्दी आ जाती है कभी लेट आती है, तो जब तक वो नहीं आती ना तब तक पूरा हमको ही सुबह से देखना पड़ता है, इसीलिए 2 दिन हम यहाँ लेट हो गए नहाने में, तो वही टाइम हो जाता था 12:30 बज जाते थे 1:30 बज जाते थे, लेकिन अगर सुबह नहा लेते हो ना तो बहुत सारे अपने काम हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि हम टाइम से अपनी पूजा कर लेते हैं, तो पूजा में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे यहाँ हमको ज़्यादा जैसे टाइम नहीं है, तो एक कौन सी पूजा होती है हम लोगों की, एक मन की पूजा होती है, सिर्फ यहाँ पर हम थोड़ी से चंदन टीका करते हैं जो भी, क्योंकि पूरी तरह से हमको यहाँ भी रोली चंदन भी नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, और भाभी भी यहाँ ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, सिर्फ भाई ही पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ भी 15 दिन से तो पूजा हो ही नहीं रही है, तो हमने भी अभी मात्र 2 दिन से शुरू किया है, जब से मनु के बर्थडे से 1 दिन पहले से शुरू किए हैं पूजा पाठ, तो पूरी तरह से हमको कुछ मिल भी नहीं रहा था, और ना ही तो यहाँ फूल मिलते हैं, फूल 1-2 जो मिल जाते हैं सामने ही यहीं से ले लेते हैं, यहाँ तो अपने गुड़हल के फूल भी नहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, फूल 1 ही हो तब भी माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो मन की पूजा कौन सी है, जैसे आपने थोड़ी सी पूजा 5 मिनट भगवान जी को दे दिया, हम ये बात आप लोगों से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हम लोगों से कहते हैं, काफ़ी बहनें हैं कि हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता है पूजा करने के लिए, हम तो पूजा करते ही नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ी सी टाइम निकालोगे, सिर्फ 5 मिनट का टाइम है भगवान जी के लिए आपके, सुबह का किचन का भी काम कर लीजिए, जो भी आपके एक्स्ट्रा काम है कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किचन का खाना बना लिया है काम कर लिया है कुछ ऐसा, जैसे बहुत लोग छुआछूत का विचार करते हैं। हाँ हम मानते हैं जैसे हम बाहर गए हैं या कुछ और कुछ ऐसी चीज़ें छू गए हैं, तो उन चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि नहाने के बाद ही हम मंदिर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी नहीं जगे हो, जल्दी आप पूजा आपकी सुबह नहीं हुई है, आपने किचन का काम कर लिया है, खाना बना लिया है, कुछ भी कर लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप बाद में भी पूजा कर सकते हो, जैसे कि हम हैं लेट हो जाते हैं तो पहले यहाँ किचन में ही जाते हैं, और आप लोग तो जानते हैं हम पहले भी यही बात को बताएं कई बार कि खाना बनाने के बाद ही हम पूजा, जैसे वहाँ भी लखनऊ में भी अक्सर हम लेट हो जाते थे झाड़ू पोछा, यहाँ तो झाड़ू पोछा का कुछ काम है नहीं क्योंकि प्रीति ही पूरा काम करेगी। तो अगर आप 5 मिनट का भी टाइम भगवान जी के लिए दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, सिर्फ श्रद्धा से एक फूल चढ़ा दीजिए, और मंत्र जब भी आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे कोई भी मंत्र है आप लोग, जैसे ओम नमः शिवाय, इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो हमारा तो पूरा इस बार के सिर्फ 2 ही सोमवार सावन में मतलब ठीक ठाक रहा, लेकिन कोई बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम में तो सब कुछ चलता है, ये भी तो एक हमारी पूजा ही है, अगर आप गृहस्थ आश्रम में भगवान मतलब अपने परिवार की और अपने बच्चों की देख रेख आप अच्छे से कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी पूजा है, पहली पूजा तो यही है जो गृहस्थ आश्रम में हमारी बहनें रहती हैं, लेकिन वो तो वही हो गया ना जो लोग साधु महात्मा होते हैं मंदिरों में बैठ करके पूजा करते हैं, लेकिन ये तो ईश्वर का ही है कि हमको माँ ने गृहस्थ आश्रम में डाला है, और वही हमको सभी लोग तो यही कहते हैं कि आप तो भैया जगत माता हैं, और इतने बच्चों का पालन पोषण हमने किया है अपने मतलब काफ़ी समय से, मायके से भी बहुत ही लगन थी, अपनी जितनी भतीजियां हैं भतीज हैं बचपन से छोड़ मतलब उन लोगों को गोदी में लेना, मालिश करना और दूध पिलाना और उन लोगों के कपड़े धुलना, तो हमको बचपन से ही बच्चों का बहुत ही शौक था, इसीलिए माता रानी हमको 14 साल इंतज़ार करवाई हैं, और जब बच्चे दिए ना तो अभी भी बच्चों के पीछे बहुत ही लगाव है। तो हम थोड़ी सी पूजा यहाँ की किए, इसके बाद अपना मन ही मन में मंत्र जपते रहते हैं, जो भी हमको 10-15-20 मिनट का मंत्र जैसे हम बैठ करके करते हैं तो वैसे चलते फिरते भी कर सकते हैं, ये मन की पूजा बहुत ही अच्छी पूजा होती है,
इसको कोई समझ भी नहीं पाता है कि हम पूजा कर रहे हैं और हमारी पूरी पूजा भी हो जाती है। तो जैसे कि अब तीन देवियां हैं रिद्धि सिद्धि समृद्धि, तो जब वो जग जाती है ना 10 बजे से तो तहलका मचाने लगती है। तब तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी पूजा है, उन लोगों के लिए सुबह से मतलब किसी को दूध पिलाना, किसी को मालिश करना और सब ऐसे काम में लगे रहते हैं ना, तो वहाँ तो हमको फ़ोन भी बहुत अंदर छुपाना पड़ता है। आप लोगों से बताएं, जिस बेड में छोटी वाली बेबी सोती है उसी बेड में अगर फ़ोन रख दिए तब तो ठीक है, नहीं अगर वो दोनों के हाथ में फ़ोन लग गया ना, तो मनु का या फ़ोन हो या हमारा है भाभी के किसी के फ़ोन, भाभी के तो फ़ोन को एकदम से उन्होंने खलास कर रखा है, पूरी तरह से अंदर तक का निकाल रखा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो माता रानी कितने सारे, और इस बार तो सावन में ना भजन कीर्तन कुछ भी नहीं हो पाया है, ना आप लोगों को रामायण का पाठ सुना पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, हम मन ही मन में आप बहनों को भी कहेंगे कि आप लोग भी सावन का महीना, क्योंकि कुछ ही समय रह गए हैं, मुश्किल से 1 हफ्ते, 22 को है हमारे यहाँ पुण्यवासी, जिसमें हमको सावन रक्षाबंधन है बहनों का। तो आप लोगों से बताएं, इस बार हम अदर्रा भी नहीं जा पाएंगे, सब भैया भाभी लोगों का फ़ोन भी आ रहा है, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता है कि एक भाई को यहाँ छोड़ करके और वहाँ के लिए हम भागे, नहीं तो हमेशा तो वहाँ ही जाते हैं, दर्रा ही जाते हैं, लेकिन इस बार मतलब अब भैया के राखी बांधने के बाद ही देखिए, अब उसी दिन निकलते हैं कि बाद में निकलते हैं, अब मन तो नहीं करता है, भाभी कहती नहीं जाना, क्योंकि छोटी वाली से ना इतना प्यार हो गया, पूरी रात उसी के पास रहते हैं, और भाभी से कल से कह रहे हैं कि भाभी इसको हमको दे दीजिए, हम ले जाएंगे लखनऊ, जैसे हमने मनु कृष्णा गोविंद की परवरिश किया ना वैसे इनकी करेंगे, लेकिन भाभी देने के लिए तैयार नहीं है इतना कहने के बाद भी। तो आज वही है जैसे हमारे यहाँ सोवर पूरी तरह से निकलती है, छठी वाला कार्यक्रम, मतलब छठी वाला तो हो गया, लेकिन जैसे पूरी तरह से सोवर निकलती है, फिर कल से भैया भी पूजा करना शुरू कर देंगे, तो आज वही है पूरी तरह से सोवर निकलेगी। तो इसीलिए हमने भी बाल वाल सब धुल लिया है और कपड़े भी बहुत सारे धुल करके डाल दिए, लेकिन बाहर हो रही है बारिश और यहाँ पर मनु कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास करने के बाद, देखिए आराम फरमा रहे हैं, और इनका दूध भी यहाँ पर ले आए हैं बॉर्नविटा डाल करके, पी लीजिए दूध ना जल्दी। चलिए बाहर का मौसम आप लोगों को दिखा देते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है, कल तो शाम को बहुत ही गर्मी थी लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है बारिश, तो आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई पूजा करने के बाद। तो चलिए बाहर का मौसम दिखाने के बाद फिर लग जाते हैं अंदर के काम में। ये देखिए बाहर का मौसम इतना हरा भरा सा है, देख सकते हैं यहीं से थोड़ी बहुत 2-3 फूल हमको मिल गए हैं, और अंदर लगता है श्री मृद्धि की आवाज़ आ रही है, वो जग गई तो चलते हैं, क्योंकि अभी मैडम प्रीति नहीं आई, उनकी साइकिल बाहर खड़ी हुई है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कामकाज में, और आप लोगों से बताया ना कल भाई वो लड्डू बनाने के लिए सब ला करके रखे हैं, लेकिन सोच रहे कैसे क्या बनाएंगे, जब बच्चों को सुला देंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से समृद्धि के साथ में। ये देखिए आप लोगों से भी समृद्धि बोल रहे हैं, जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग, इनके बिना हम कैसे रह पाएंगे लखनऊ में। देखिए जैसे आवाज़ इनकी सुनी ना वैसे हम अंदर पहुंच गए, और इस समय तो धूप, लोगों को दिखा रहे हैं कि प्रीति नाश्ते में क्या बना रही है, बेसन के क्या है प्रीति, हमारे यहाँ बोलते हैं गुनुक, अच्छा गुनुक नाश्ते बना रही है, कह रहे दीदी आप आराम से बैठिए बना करके अभी आप लोगों को खिलाते हैं, और इधर टमाटर की चटनी पीसी है, और इधर दूध भी बॉयल हो गया है, और एक बार अभी फिर से बनाएंगी चाय सबके लिए, इधर प्याज है टमाटर है सब मिक्सर में पीस ली है, देखिए क्या बना रही है। चलिए जो भी बनाती हैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, आप लोगों को भी बुला रहे हैं कि आइए आइए, सब लोग बैठ करके करते हैं नाश्ता। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नाश्ते के साथ। अब तेल से इसको ऐसे छान ली है, अब क्या करोगी इसमें, अरे तेल कम करके टमाटर प्याज फ्राई कर, अब जो भी तेल इसमें ज्यादा था तो तेल को निकाल ली है, लहसुन अदरक प्याज का पूरा पेस्ट इसी में डाल दी है, और अच्छे से भून लेंगी, और इसके बाद जो टमाटर की ग्रेवी इन्होंने पीस करके रखा है उसको भी इसी में डाल देंगी, और फिर इसके में डाल देंगी पकौड़ी, और इसके बाद स्वाद अनुसार डाल देंगी नमक। तो पहली बार हम भी ये नाश्ते में, और यहाँ पर सिद्धि आ गई है तो कैमरे को ऐसे से ऐसे घुमा दी है,
और हमारा फ़ोन आज ना गिरते गिरते बच गया, और इन लोगों से इतना छुपाते रहते तब भी फ़ोन नहीं बचता है। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता, और नाश्ता भी हम लोग खड़े खड़े इतनी जल्दी जल्दी करते हैं। इसके बाद लग जाते हैं बच्चों की मालिश में। तो यहाँ पर देखिए छोटी वाली के कर देते हैं मालिश, और ये भी बच्चों को नाश्ता करा रही है, जो भी बनाना शेक बनाई थी तो ये पिला रही, और पिलाने में ना अब मालिश होने के बाद ये गई हैं आराम से सो, और भाभी के भी बाल वाल धुला दिए हैं, भाभी भी आराम कर रही हैं, और यहाँ पर ये भी उधर भाभी लेटी हुई हैं। और आप लोगों से एक बहुत ही मतलब क्या बात बताऊँ, बता दो भाभी, भाभी कह रहे किसी से मत बताइए, और बहुत ही छुपी रुस्तम है। आज है 13 अगस्त और इनका है बर्थडे, और किसी को बताना नहीं चाहती थी। हम लोगों को तो पता था लेकिन दिमाग से एकदम से हट गया था कि आज इनका बर्थडे है। प्रीति आते इनको बिस्किट, तभी हमको भी पता चला, तो हम कह रहे हैं शाम को कहाँ पार्टी दोगे, तो कह रहे कहीं पार्टी नहीं देंगे, लेकिन हम लोग थोड़ी सी पार्टी तो लेंगे ही। अब देखिए कहाँ जाते हैं। वैसे प्रीति बता रहे हैं कि कौन सा मंदिर है, प्रीति बता रहे हो? अच्छा, गौरी शंकर मंदिर है यहाँ का, मतलब बहुत ही फेमस मंदिर है पीलीभीत का। और आप लोग देख सकते हैं बिंदी हमारी हट गई, जैसे दोनों जगती है ना बिंदी बिल्कुल नहीं लगा पाते हैं, और इसीलिए हम बाहर के रूम में आप लोगों से इतनी ज़्यादा सुबह से बातें कर ली हैं, और काफ़ी ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। और यहाँ ज़रा से टीवी अगर बंद होती है ना तो तुरंत ही लोगों का रोना शुरू हो जाता है। तो देखिए दिखा रहे हैं कैसे नाच कूद रही हैं, और ये देखिए टीवी ऑन है, आवाज़ है थोड़ी सी स्लो किए हैं, ये देखिए दिखा रहे हैं, इनकी नज़र ना बिल्कुल टीवी पर ही है। देखिए ये देखे नहा करके ना, अभी इनके बाल नहीं बंधे हुए हैं, और जैसे ही बाल बांध देते हैं, गर्मी है क्योंकि बाल भी बड़े हुए हैं, तो तुरंत निकाल डालती हैं, बिल्कुल नहीं बाल बांधती हैं। और प्रीति कह रही है कि दीदी अभी कैमरे को किचन में मत लाइएगा, हमारा किचन अभी पूरी तरह से बिखरा हुआ है, क्योंकि वो भी सुबह से लगी हुई है ना काम में। लेकिन चलिए मिलते हैं आप लोगों से, बनाते हैं भाभी के लिए आज क्या बनाया जाता है। जिस दिन हमारे यहाँ पूरी तरह से सोवर निकलती है उस दिन बनाया जाता है हरेरा, मेवे वाला हरेरा, उसमें थोड़ी सी आटा डाल करके देसी घी में भूना जाता है। तो बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रहे हैं, और टाइम तो 1:30 बजने वाले हैं, सुबह से पूरा दिन बच्चों में लगे रहो ना तो बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो अब हम भी आ गए हैं किचन में और बना लेते हैं हरेरा, और प्रीति भी लगी हुई है साफ़ सफाई में। तो इसमें हमने कढ़ाई में थोड़ी सी डाल दिया है घी, और घी के बाद हल्दी और थोड़ा सा आटा। वैसे तो भाभी कह रहे हैं कि आटा मत डालिए, आटा वाला हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक दिन और सोच रहे थे लेकिन मना कर दी, बोली ये हरेरा क्या होता है हम नहीं खा पाएंगे, इसीलिए हम सेठौरा भी एक दिन नहीं बना पाए हैं, जो हमारे यहाँ बांदा साइड में बनता है घी डाल के मेवा डाल के, क्योंकि इनको खाना नहीं है तो क्यों बनाएं। तो आज हम थोड़ी सी ट्राई कर रहे हैं कि देते हैं, वैसे इनको खाना नहीं है, कह रहे हैं गुड़ वाला ना बनाइए शक्कर वाला बनाइए, तो शक्कर वाला ही बनाएंगे। और आज आप लोगों से बताएं ना, हम वीडियो एडिट करने में बिल्कुल भूल गए थे, क्योंकि जब बच्चों में लग जाते हैं ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और गाइज यहाँ पर ना हमारी टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, कभी 4 बजे तो कभी 5 बजे आप लोगों तक वीडियो पहुँचा पाते हैं। और यहाँ पर देखिए हरेरा हमारा बन करके तैयार हो गया मेवे वाला, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा मेवा वाला हरेरा कैसा आप लोगों को लगा। और टेस्टी तो बहुत है, हमको तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन भाभी को तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहीं पर हम वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और एक तो बनाए हैं शक्कर वाला, एक तो बनाए हैं गुड़ वाला। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।